वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज का हमारे यहाँ टॉपिक है पैंक्रियास, इसका स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन। तो हम देखेंगे कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है यहाँ पे पैंक्रियास, इसके कौन से एंडोक्राइन फंक्शंस यहाँ पे होते हैं और कौन से हॉर्मोन्स में रिलीज होते हैं। ठीक है, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और जिस भी पर्सन ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर द वीडियो। तो हम बात कर लेते हैं पैंक्रियास के सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में। पैंक्रियास जो होता है ये 12 से 15 सेंटीमीटर एक लॉन्ग ऑर्गन होता है, जिसमें कि तीन पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। बिल्कुल जो नैरो पार्ट है वो टेल कहलाता है और जो वाइड पार्ट है इसका हेड कहलाता है। इसका जो हेड वाला पार्ट होता है ड्यूडिनम के साइड होता है, और इसका जो बिल्कुल नैरो वाला पार्ट होता है, टेल वाला पार्ट होता है, ये स्प्लीन की तरफ होता है। इसलिए जो टेल वाला पार्ट होता है ये स्प्लीन को टच कर रहा होता है। ओके, लोकेशन के लिए हम बात करें तो लोकेशन आपने डाइजेस्ट सिस्टम का जो डायग्राम है वो आपने देखा होगा। डाइजेस्ट सिस्टम में स्टमक के जस्ट नीचे साइड पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है पैंक्रियास, और ड्यूडेनम से बिल्कुल साइड से निकल रहा होता है। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पोस्टीरियर टू द स्टमक विथ इट्स हेड इन द कर्व ऑफ द ड्यूडेनम, राइट। यहाँ पर स्ट्रक्चर भी हम देखते हैं, यहाँ पे ड्यूडेनम का एक कर्व नज़र आ रहा है। ठीक है, इस कर्व में इसका क्या है, हेड वाला पोर्शन है। ठीक है, और स्टमक के नीचे और बैक साइड में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे करीब प्रेजेंट होता है स्प्लीन। ओके, तो इसका जो डायग्राम है, आप इसके जो डाइजेस्ट सिस्टम का डायग्राम होता है उसमें ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि इसका लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ पर होता है। ठीक है, सो जो पैंक्रियास होता है ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों इसमें मिक्स्ड ग्लैंड का ही टाइप है। ठीक है, इसमें एंडोक्राइन पार्ट भी आता है और एक्सोक्राइन पार्ट भी आता है। एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है ये पैंक्रियाटिक जूस या हम कहें कि एंजाइम को सीक्रेट करता है। इसके अंदर यहाँ पे आपको एक पैंक्रियाटिक डक्ट दिखाई दे रही होगी, ये बिल्कुल इस पैंक्रियाटिक डक्ट से जो एंजाइम होता है वो कहाँ पर आता है, इस ड्यूडिनम वाले रीजन में आता है। ठीक है, नाउ एंडोक्राइन फंक्शन के लिए हम बात करें या एंडोक्राइन पार्ट की बात करें तो ये हार्मोन को सीक्रेट करता है, और जो पर्टिकुलर एरिया है जो कि हार्मोन को सीक्रेट करता है उसको हम कहते हैं आइसलेट ऑफ द लैंगरहैंस। ठीक है, इस आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर ही कई प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है, मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर जो कि हार्मोन का, डिफरेंट हार्मोन का सीक्रीशन करती है। ओके, तो एक एडल्ट पैंक्रियास में करीब 2 लैक्स से 20 लैक्स ऑफ द आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होते हैं। अब यदि ये इतने हैं तो सेल्स कितनी होगी। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा सेल्स होती है जो कि पर्टिकुलर हार्मोन का सीक्रीशन करती है। ओके गाइस, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके अंदर जो सेल्स है। ठीक है, जो डायग्राम आप देख पा रहे हो ये आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस का डायग्राम है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट है जिसमें अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा है ना, कुछ सेल यहाँ दिखाई नहीं दे रही हैं। तो अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल, ठीक है, जिसको हम पीपी सेल कहते हैं, ये चार तरह की सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फ़ा सेल की। तो ये जो आपको यहाँ पे ब्लूइश कलर में दिखाई दे रही अल्फ़ा सेल, अल्फ़ा सेल प्रोड्यूस करती है ग्लूकागॉन हार्मोन को। ठीक है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देती है, और जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है तो ये ग्लैंड स्टिमुलेट होती है, ये सेल जो होती है स्टिमुलेटेड होती है और यहाँ से ग्लूकागॉन हार्मोन को सीक्रेट करती है। ठीक है, इन द रिस्पॉन्स ऑफ द लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। सेकेंड होती है बीटा सेल। बीटा सेल ये इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है। इंसुलिन का काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना। तो जब कभी भी ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा, राइट, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन होगी, उस टाइम पे बीटा सेल इंसुलिन को सीक्रेट करेगी। ओके गाइस, थर्ड है डेल्टा सेल। डेल्टा सेल ये हार्मोन सीक्रेट करती है सोमेटोस्टैटिन। ओके, सोमेटोस्टैटिन को यदि हम बाइफर्गेट करें तो सोमा मीन्स होता है बॉडी, स्टैटिन मतलब होता है रोकना। ठीक है, अब बॉडी में क्या रोकेगा, उसकी ग्रोथ को रोकेगा, है ना। तो सोमेटोस्टैटिन जो होता है ये ग्रोथ हार्मोन, इसको ये रोकता है, साथ में ग्लूकेगॉन और इंसुलिन दोनों के रिलीज को भी इनहिबिट करता है ना। एक पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, सोमेटोस्टैटिन ऑल्सो रिलीज बाय द हाइपोथैलेमस। ओके, तो सोमेटोस्टैटिन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, जिसको हम वहाँ पर कहते हैं ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, राइट। तो एक ग्रोथ हार्मोन को भी इनहिबिट करता है जो रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, और दूसरा सोमेटोस्टैटिन रिलीज होता है कहाँ से, पैंक्रियास की डेल्टा सेल से, जो कंट्रोल करता है अल्फा और बीटा की एक्शन को। ठीक है, मतलब इंसुलिन और ग्लूकागॉन के रिलीज को ये रेगुलेट करता है। चौथी सेल होती है एफ सेल, जिसको हम पीपी सेल कहते हैं।
पीपी सेल जो होती है ये पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन को सीक्रेट करता है ना। पीपी मतलब यहाँ पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड से रिलेटेड है। तो चार तरह की सेल्स होती हैं, मेजरली हमें अल्फा बीटा और डेल्टा को याद रखना है बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और इसके जो रिलीज होने वाले हार्मोन है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बात करेंगे अब हार्मोन्स ऑफ द पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के जो हार्मोन्स हैं इसमें मेजरली ग्लूकागॉन और इंसुलिन। ठीक है, ग्लूकागॉन जैसे आपको बताया था कि अल्फा सेल से सीक्रेट होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है, ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर बढ़ाना। अब ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर कैसे बढ़ेगा, ठीक है, तो ग्लूकोज जो होता है ये कहाँ स्टोर होता है, ग्लूकोज बॉडी के अंदर या तो मसल्स में या फिर लिवर के अंदर ये स्टोर होता है एज अ ग्लाइकोजन। ठीक है, अब ये जो ग्लाइकोजन होता है ये यहाँ से ब्रेक डाउन होगा तभी तो ग्लूकोज कहाँ पर आएगा, ब्लड के अंदर आएगा, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है ये। ठीक है, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करा रहे हैं, बिकॉज जब तक कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं होगी ग्लूकोज के अंदर ये कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हुआ तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, कौन करवा रहा है, ये ग्लूकागॉन करवा रहा है। ठीक है, इसके अपोजिट यदि हम बात करते हैं इंसुलिन की, तो इंसुलिन बीटा सेल से रिलीज होता है और ये यहाँ पे क्या कराता है, ग्लाइकोजेनेसिस कराता है। ग्लाइकोजेनेसिस कहाँ से कहाँ करा रहा है, ब्लड से ये जमा करवा रहा है कहाँ पर, मसल्स के लेवल पे, या फिर बात करें हम इसको यहाँ पे लिवर के लेवल पे। ठीक है, तो लिवर सेल के अंदर ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ द हार्मोन दैट इज इंसुलिन, जो कि बढ़ाता है ग्लाइकोजेनेसिस को या ग्लाइकोजन फॉर्मेशन को। ओके, जबकि यहाँ पर ग्लूकागॉन क्या कर रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करा रहा है, इसका काम है ब्लड के अंदर ग्लूकोज को ज़्यादा बढ़ाना। ठीक है, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराए, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा जो हमारे बॉडी के अंदर स्टोर है, दूसरा जो नॉन कार्बोनेटेड मोइटीज है उससे भी ग्लूकोज को बनाता है और ब्लड के अंदर इसको मेंटेन करता है। तो ग्लूकागॉन का फंक्शन यहाँ दो हो गए, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूको मीन्स होता है ग्लूकोज, नियो मीन्स नए मॉलिक्यूल, जेनेसिस मीन्स होता है बनाना, तो ग्लूकोज के नए मॉलिक्यूल बनाता है फ्रॉम द नॉन कार्बोनेटेड मोइटीज। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे दोनों के फंक्शन हो गए। अब यदि दोनों का रेगुलेशन नहीं हुआ, दोनों एक दूसरे के बैलेंस नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये डिसऑर्डर कॉज करेगा। यदि ग्लूकोगॉन ज़्यादा होगा तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन हो जाएगी। इंसुलिन ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हो जाएगी, दोनों ही कंडीशन यहाँ पे वर्स्ट होगी, इसलिए इसका बैलेंस में रहना ज़रूरी है। इसमें हम बात करेंगे रेगुलेशन इन आइसोलेट ऑफ द लाइगनेंस की, रेगुलेशन कैसे होता है। तो रेगुलेशन के यहाँ पे जो हार्मोन प्रेजेंट है दैट इज़ द सोमेटोस्टैटिन, है ना, जैसे मैंने पहले आपको डिस्कस किया था। तो सोमेटोस्टैटिन जो होता है ये अल्फा सेल और बीटा सेल दोनों को ही रेगुलेट करता है। ठीक है, मतलब ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों को रेगुलेट करेगा। तो होता क्या है कि जैसे ही ग्लूकोज का लेवल कम होता है, ठीक है, अल्फा सेल जो होती है यहाँ से ग्लूकागॉन हार्मोन को सीक्रेट करती है, एक नॉर्मल क्राइटेरिया है इसका। ठीक है, अब ये जो ग्लूकागॉन है जब ग्लूकोज को ब्लड के अंदर बढ़ाएगा, ठीक है, यहाँ प्लस का साइन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ग्लूकोज का लेवल जब ब्लड के अंदर बढ़ेगा एक लिमिट से ऊपर जाने के बाद इसका सेंसेशन कहाँ जाता है, बीटा सेल पे जाता है। बीटा सेल सेंसिटिव होती है और यहाँ से ये क्या करेगी, फिर हार्मोन सीक्रेट करेगी जिसका नाम है इंसुलिन। ये इंसुलिन ग्लूकोज का लेवल होता है उसको कम करेगा। ठीक है, मतलब इंसुलिन क्या कर रहा है, यहाँ पर जो अल्फा सेल है इसके फंक्शन को क्रॉस कर रही है, इसके फंक्शन को कम कर रही है, ठीक है, और ग्लूकोज लेवल को कम करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, बट यहाँ पे जो डी सेल्स है जिससे कि सोमेटोस्टैटिन रिलीज हो रहा है ये दोनों को रेगुलेट कर रही है, किसको, अल्फा सेल यहाँ से ग्लूकोज सीक्रेशन को भी कम कराती है और बीटा सेल यहाँ पे इंसुलिन के सीक्रेशन को भी कम कराती है। ठीक है, तो सोमेटोस्टैटिन का काम है अल्फा और बीटा दोनों को रेगुलेट करना, जबकि यहाँ बीटा सेल्स का जो सीक्रेशन होता है अल्फा सेल के सीक्रेशन को यहाँ पे कम कर देता है या इसकी एक्टिविटी को कम कर देता है। ओके गाइस, सो दिस इज़ द रेगुलेशन विद इन द आइसोलेट ऑफ द लाइगनेंस। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं इसके डिसऑर्डर्स की। ठीक है, अब डिसऑर्डर में क्या होगा, या तो ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया होगा या कम हो गया होगा, यहीं से डिसऑर्डर्स अराइज होते हैं। ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन यदि होती है जिसमें कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो ज़्यादा हो गया। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा क्यों हो गया, क्योंकि इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों ही यहाँ पर इम्बैलेंस हो गए, इंसुलिन ने अपना काम नहीं किया या उसमें कोई डिसफंक्शन हो गया बीटा सेल्स के अंदर, बीटा सेल डिस्ट्रक्ट हो गई है या फिर बीटा सेल जो है प्रोड्यूस तो कर रही है, ओके, बट वो इंसुलिन यूज़ नहीं हो पा रहा है, उतना इंसुलिन जो है सेल्स तक नहीं जा पा रहा है, टिश्यू तक नहीं जा पा रहा है, रिसेप्टर तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है,
इस वजह से भी यहाँ पर हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन होती है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल का कम होना, ठीक है ना। हाइपो मीन्स होता है कम, ग्लाइसी मतलब ग्लूकोज, और एम आई ए का मतलब होता है यहाँ पर ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है। इसलिए ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर मीन्स होता है ज़्यादा, ग्लाइसी मतलब होता है ग्लूकोज, और MIA जो लगा है इट मीन्स ब्लड। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो इसी के बेस पे यदि हम बात करें कि इंसुलिन का लेवल कम हो गया है, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया है, जो डिसऑर्डर है इसको हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। सो गाइस, दो तरह की डायबिटीज़ होती हैं, एक होती है डायबिटीज़ मेलाइटस और दूसरी होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। तो दोनों में आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। डायबिटीज़ मेलाइटस जो होती है ये ग्लूकोज़ या इंसुलिन की वजह से होती है, मतलब इंसुलिन की कमी की वजह से होती है डायबिटीज़ मेलाइटस। और डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है, एक हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड का जिसको हम बोलते हैं ADH, वो ADH की कमी की वजह से होता है, राइट। इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज़ मेलाइटस और ADH की कमी से होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो डायबिटीज़ मेलाइटस की यदि हम कैटेगरी की डिवाइड करें तो ये दो तरह के टाइप्स होते हैं इसके, डायबिटीज़ वन मतलब टाइप वन डायबिटीज़ और टाइप टू डायबिटीज़। टाइप वन डायबिटीज़ इसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं, बिकॉज बॉडी के अंदर जो इंसुलिन सीक्रेटिंग सेल है दैट इज कॉल्ड द बीटा सेल्स इन द आईलेट ऑफ द लैंगरहंस, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्यों डिस्ट्रॉय हो रही है? बॉडी का जो इम्यूनिटी है, ठीक है ना, उसको फॉरेन पार्टिकल समझने लगता है ना। बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम जो होता है उसको फॉरेन पार्टिकल समझने लगता है और उसको वहाँ से डिग्रेड कर देता है, उसको वहाँ से बिल्कुल भी रक्चर कर देता है, हटा देता है, जिसकी वजह से बीटा सेल वहाँ प्रेजेंट है ही नहीं। अब बीटा सेल यदि नहीं प्रेजेंट है उसका मतलब क्या होगा? इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा होगा, और इस कंडीशन में इसको हम बोलते हैं जुवेनाइल टाइप ऑफ डायबिटीज़ या टाइप वन डायबिटीज़, या इसको हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस का मतलब ही है कि आपको बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर बिल्कुल भी इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है, आप डिपेंडेंट हो, राइट। तो इसलिए आपको बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। टाइप टू डायबिटीज़ की यदि हम बात करते हैं तो टाइप टू डायबिटीज़ यहाँ पर जो बीटा सेल है वो प्रेजेंट है, ठीक है, बट इनफ इंसुलिन को सिक्रीट नहीं कर पा रही है। सेकेंड रीज़न, यदि सिक्रीट कर भी पा रही है तो रिसेप्टर उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ओके। दोनों ही कंडीशन है। टाइप टू डायबिटीज़ में बीटा सेल यहाँ प्रेजेंट होगी, इंसुलिन का सिक्रीशन भी होगा, या तो कम होगा या तो नॉर्मल हो रहा है, बट उसको रिसेप्टर यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, रिसेप्टर तक नहीं पहुंच पा रहा, उसके पहुंचने से पहले डिग्रेड हो जा रहा है। इन दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर आपको बाहर से मेडिकेशन लेने की ज़रूरत है, ऐसे मेडिसिन जो कि या तो उसके सिक्रीशन को बढ़ाते हो या तो उसके यूटिलाइजेशन को बढ़ाते हो, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में आप टैबलेट या मेडिकेशन लेके टाइप टू डायबिटीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो होप सो गाइज कि ये टॉपिक आपको यहाँ समझ में आया हो। यदि आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।